जगदीश भाई, बाजी आप ही मार लेगा। हाँ यार, हम लोग रह गए, तुम ही बाजी मार ले गए। बाजी तो मैं कभी छोड़ता नहीं दोस्त। अनीता जब खुद ही जाकर पलंग पर लेट गई तो मैंने सोचा लो अपना काम तो बन गया। ये चक्कर क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की चाहती क्या है? अनीता के साथ कोई हमारी तस्वीर तो नहीं ले रहा? हाँ, कैमरा तो था उसके पास। था तो सही, लेकिन साले को तस्वीर लेते तो कभी नहीं देखा। ओफो, हमारी तस्वीर कोई पूछ के थोड़ी लेगा। पूछने की बात कौन कह रहा? अरे झगड़ो मत जगदीश, ऐसा करते हैं कल सुबह यहां से निकल पड़ते हैं। मैं तो कहूंगा चलिए आज ही निकल पड़ते हैं। चलो यही सही, मैं कहता हूं ड्राइवर से। तेरे की फोकर पे 5 दिन पर बात की, कहा था ना नासिक वाले डाक बंगले चलो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जाते ही इंटरव्यू है, उम्मीद है नौकरी मिल जाएगी। नानी पूछ रही थी हम शादी कब करेंगे। बस नौकरी मिलते ही तो फिर बॉम्बे में मैं भी काम कर लूंगी। ठीक है, कर लेना। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं, अरे तुम समझ। सखाराम चलो बाहर निकलो किचन से, मैं कह रहा हूं फौरन बाहर निकलो, सुनाई नहीं देता बदमाश। ये बदमाश किसे कह रहे हैं आप? तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें। साला दो कौड़ी का ड्राइवर जुबान लगा रहा है। रवि छोड़ दो मुझे। चौधरी जी आप लोग प्लीज अंदर जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चलिए चलिए, हमें क्या है। हाँ चलो चौधरी, छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगना चाहिए, कहीं मार मुंह न दे। चलो चलो। जी अनीता, तुम्हें हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी, हमें देख लिया तो देख लिया, हम किसे डरते थोड़ी है। अभी जाके मैं सबका भांडा फोड़ता हूँ। दो कौड़ी का ड्राइवर ही समझ लिया, फिर तुम्हारे रोज के 30 रुपए मारे जाएंगे। तुम्हें मजाक सोच रहा है? अरे 30 रुपए हुए तो क्या हुआ,
है तो तुम्हारी पहली कमाई। मुझे बदमाश कहा जा रहा है, मैं बदमाश हूँ? अरे खुद क्या है, भूल गए? कोई पिला कर बहका रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है। ओफो रवि, तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। मैं 3 साल से होटल में काम कर रही हूँ, अपने आप को संभाल सकती हूँ। इन्हें इतना मुंह लगाने की जरूरत क्या है तुम्हें? अरे ये भी कोई बात हुई? तुम तो हमेशा इन्हीं के साथ अकेले घूमते फिरते हो, क्यों नहीं रहते मेरे पास? मेरा अकेले रहना और तुम्हारा रहना एक ही बात है। फिर क्यों ले आए इन्हें यहाँ? अकेले ही आना था। यही तो गलती हो गई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गलती तो मुझसे हुई, मुझे ये बंगला नहीं बताना था।